अल्पकुम माई डियर स्टूडेंट्स दिस इज़ तो परवेज़ बट रिसोर्स पर्सन डाइट बांडीपुरा टुडे आई एम गोइंग टू डिल बाय माय लेक्चर नंबर फाइव ऑफ एवोल्यूशन तो जिसमें हम बात करेंगे ह्यूमन एवोल्यूशन की हम देखेंगे कि कैसे मॉडर्न ह्यूमंस जो है वो इवॉल्व हुए हैं फ्रॉम द प्रमिक्स सो डियर स्टूडेंट्स जब हम बात करते हैं ह्यूमन एवोल्यूशन की तो एक ऐसी एवोल्यूशनरी प्रोसेस है दैट लीड टू द इमर्जेंस ऑफ एनाटोमिकली मॉडर्न ह्यूमस और जो ह्यूमन एवोल्यूशन है ये स्टार्ट होता है फ्रॉम द एवल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ प्रोमेट्स जिसमें एक पर्टिकुलर जीनस आता है जिसको हम होमो बोलते हैं और दैट लीड टू द इमर्जेंस ऑफ होमोस्पैंस जो होमोस्पैन है वो एक डिस्टिंक्ट स्पीसीज है होमन फैमिली की जिनको हम ग्रेट एप्स बोलते हैं तो डियर स्टूडेंट्स ह्यूमन एवोल्यूशन जो है ये एक ऐसी प्रोसेस है जो इन्वॉल्व करती है ग्रेजुअल डेवलपमेंट ऑफ ट्रेड्स जिनमें ह्यूमन बायोपैडलिज़म आता है जिसमें लैंग्वेज आती है जिसमें इंटरब्रीडिंग आती है विथ अदर ह्यूमस अगर हम देखते हैं ह्यूमन एवोल्यूशन को तो ह्यूमन एवोल्यूशन जो है ये एक ऐसी प्रोसेस है जो लीनियर नहीं है बल्कि वेब है जब हम फाइलोजेनेटिक ट्री देखते हैं ह्यूमन एवोल्यूशन का या जिसको हम रिवोलूशनरी ट्री बोलते हैं तो उससे हमें लगता है कि जो ह्यूमन एवोल्यूशन हुए जो मॉडर्न ह्यूम इवॉल्व हुए हैं तो वो इन द लीनियर फॉर्म इवॉल्व नहीं हुए बट इन द फॉर्म ऑफ वेब इवॉल्व हुए हैं तो डियर स्टूडेंट्स अगर हम मॉडर्न ऑथर्स की बात करते हैं मॉडर्न रिशनरी बायोजिस्ट्स की बात करते हैं जिसमें स्टैनली आता है क्लो आता है या वॉलपी आता है तो उनके हिसाब से बहुत सारे टेक्साज इन्वॉल्व होते हैं इन ह्यूमन फायलोजनी में तो पहला टेक्जा जो है फर्स्ट वन दैट रामापैथिक्स सेकेंड वन इज ऑस्ट्रोपैथिक्स एफरे थर्ड वन इज ऑस्टलोपैथिक्स फोर्थ वन इज होमोहैपलिस फिफ्थ वन इज होमोरक्ट्स सिक्स्थ वन इज होमोस्पैंस सो so, डियर स्टूडेंट्स पहले हम बात करते हैं रामापैथिक्स की रामापैथिक्स जो ग्रुप है इसमें एक और ग्रुप आता है जिनको हम सिवा बोलते हैं रामापैथिक्स जो नाम है ये निकला है फ्रॉम द हिंदू गॉड दैट इज राम और पैथिक्स निकला है ग्रीक वर्ड से दैट्स इज पैथिकॉस विच मीन्स एप इसी तरह जब हम सिवापैथिक्स की बात करते हैं इसका नाम भी रखा गया है हिंदू कार्ड पे दैट इज सि और पैथिकॉस मींस हो गया एप डियर स्टूडेंट्स रामापैथिक्स और सिवापैथिक्स की इंसिस्ट्रल फॉर्म्स जो है मॉडर्न ह्यूमंस की ये अप्रोक्सीमेटली रहते थे एट टू फोर्टीन मिलियन ईयर्स एगो इस दुनिया में तो जब हम फॉसिल्स की बात करते हैं क्योंकि फॉसिल्स जो है ये एविडेंस होते हैं एवोल्यूशन के तो इनका जो फर्स्ट फॉसिल है दैट इज ऑफ फ्रिजल अपर जा रामापैथिक्स का वो रिकवर्ड किया था एडवर्ड लिवेस ने 1930 में इन स्वालिक हिल्स ऑफ नॉर्दर्न इंडिया अनदर वन जो था अनदर फॉसिल वो लेक विक्टोरिया से हासिल किया गया था अफेरिका में और उसको हासिल किया था रिकॉर्ड किया था लीकी ने इन 1955 में अगर हम फॉसिल्स की बात करते हैं तो जो फॉसिल्स है इनके रामापैथिक्स और सिवापैथिक्स के ये इंडिकेट करते हैं कि ये जो जेनेरा थे रामापैथिक्स और सिवापैथिक्स ये रहते थे अफेरिका में इरोशिया में एंड दे आर द फोर रनर्स ऑफ विट्स तो डियर स्टूडेंट्स अगर हम इनकी करेक्ट्रिस्टिक्स की बात करते हैं इनके करेक्टर्स देखते हैं इनके फीचर्स देखते हैं तो दे हैव फ्लैटनड फेसिज एंड शॉर्ट मजल इसके बाद दूसरा जनरल जो आता है दूसरा टेक्जा जो आता है जिसको हम बोलते हैं ऑस्लोपैथिकस एफरेंसिस ऑस्लोपैथिकस एफरेंसिस की जब हम बात करते हैं जो नाम रखा गया है इनका दैट्स एक्चुअली फ्रॉम लैटिन वर्ड दैट इज ऑस्ट्रल और एफरेंसिस इज एक्चुअली इन लोकल्टी इज नेम्ड एज एफर तो डियर स्टूडेंट्स इसको हम दूसरा नाम देते हैं साउदर्न एप फ्रॉम इथोपिया ये जनरली जो थी ऑस्ट्रोपैथिक्स एफरेंसिस एक फीमेल एप मैन थी और जिसका नाम दिया गया था लूसी तो अगर हम फॉसिल्स की बात करते हैं डियर स्टूडेंट्स इसके जो फॉसल है वो रिकवर्ड किए थे किए गए थे अफर लोकल्टी इन हैदर हा, ऑफ इथोपिया से इस फॉसल को रिकवर किया था डोनाल्ड जॉनसन ने 1973 में और ये कहा जाता है कि प्रोबेबली ये जो फॉसल है इट इज़ द ओल्डेस्ट एमंग ऑल द प्रमेट टू मैन डिस्क्राइब जो भी हमारे पास प्रमेटिव मैन है प्रमेटिव मैं उन फॉसिल्स में सबसे ओल्ड फॉसिल जो पाया गया है दैट्स ऑफ ऑस्लोपैथिकस एफरें ये रहते थे अबाउट थ्री टू फोर बिलियन ईयर्स एगो इस जमीन पे तो अगर हम इनकी करेक्ट्रिस्टिक्स की बात करते हैं पहले इनके पास प्रोजेक्टाइल फेस हुआ करता था ये अपराइट स्टैंड हुआ करते थे इनके पास जो फीचर्स थे वो मिक्सचर थे ह्यूमंस के और एग

प्लांट्स जिनमें ग्रास आता था फ्रूट्स आते थे और लीव्स आते थे तो स्पीसीज नेम रखा गया 1978, सेवेंटी एट फोर ईयर्स आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ लूसी तो डियर स्टूडेंट्स इसके बाद हमारे पास एक और टैक्सा जो आता है फाइलोजेनेटिक ट्री में फाइलोजेनेटिक ट्री में तो वो है ऑस्लोपैथिकस ऑस्लोपैथिकस जो है ये ग्रुप जो था ये रहता था अबाउट वन पॉइंट फाइव टू फाइव मिलियन ईयर्स एगो इस जमीन पे तो ये ग्रुप जो है इसको हम डिवाइड करते हैं दो ग्रुप्स में ये जो एपमैन था इसको हम दो ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं पहला जो है दैट इज द रोबस्ट ऑस्लियोपैथिस या जिसको हम बोलते हैं ऑस्लियोपैथिकस रोबस्टिस जो ऑस्टलियोपैथिक्स रॉबस्ट्स का जो फॉसिल था वो रिकवर किया था रॉबर्ट ब्रूम ने और रैमोन ने इन 1938 में फ्रॉम द केव्स ऑफ स्टैक फोंटियन, साउथ अफ्रीका डियर स्टूडेंट्स जब हम इनकी करेक्ट्रिस्टिक्स की बात करते हैं इनके पास एक वेल well डेवलप्ड सकल क्रस था और उसमें टेम्पोरियल मैसल्स थे अटैचड थे जो वो यूज़ करते थे चिविंग के लिए और इनके पास जो स्पेशलाइजेशन थी वो ये थी कि दे हैव स्ट्रॉन्ग चिविंग इंक्लूडिंग ही चीक टीथ्स इनके पास जो चीक टीथ होते थे वो बहुत बड़े हुआ करते थे उनके पास मैसू जाउस हुआ करते थे वो पावरफुली बिल्ड चीक बोन्स इनके पास हुआ करते थे और इस वजह से उनका जो शक्ल था वो थोड़ा फॉरवर्ड था वो प्रोजेक्ट फॉरवर्ड होता था और ये जो फीचर्स इनके शक्ल में थे ये इनको डिफरेंट बना देता था फ्रॉम द मॉडर्न ह्यूमंस इस ग्रुप ऑफ एप को तो डियर स्टूडेंट्स इसके बाद जो दूसरा ग्रुप है इसका ऑस्लोपैथिक्स पाथिक, का वो है ग्रेसाइल ऑस्टलोपैथिस या जिसको हम बोलते हैं ऑस्लोपैथिकस एफरिकंस इनका फॉसल जो था एफेकन्स का ऑस्टलोपैथिकस एफेरक्स का वो ऑबटेन किया था या रिकवर किया था और ए डर्ट ने इन नाइनटीन ट्वेंटी फोर में फ्राम टैंग विलेज ऑफ साउथ अफ्रीका जब हम इनकी करेक्ट्रिस्टिक्स की बात करते हैं डियर स्टूडेंट्स इनके पास मोर राउंडेड सर्कल था दे हैव वर्टिकली एबो आइस और उनका जो फेस था वो लाइटली बिल्ड था और ये यूज करते थे एनिमल फूड भी यानी कि डाइट के साथ साथ प्लांट्स के साथ साथ भी एनिमल्स भी खाते थे इसके बाद हमारे पास जो एक और टैक्सा आता है दैट्स होमोहैबल जिसको हम हैंडी मैन भी कहते हैं होमोहैबल्स जो है ये एक एक्सटिंक्ट स्पीसीज है ह्यूमंस की इनको कहा जाता है कि ये मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव्स है ऑफ ह्यूमन जीन्स दैट्स ऑफ होमो और ये जो ग्रुप था ये रहता था इस दुनिया में वन पॉइंट फाइव टू टू मिलियन ईयर एगो अगर हम इनके फॉसिल्स की बात करते थे तो इनके जो फॉसिल रिमेन्स हैं वो रिकवर्ड किए थे लेकिन 1964 में फ्रॉम रॉक्स ऑफ एगोर्ज इन ईस्ट अफ्रीका से तो जब हम कैरेक्ट्रिस्टिक्स की बात करते हैं डियर स्टूडेंट्स दे हैव दे हैड एन इरेक्ट गैट गैट हम बोलते हैं दे हैव फीचर्स ऑफ वॉकिंग दे कैन वॉक और ये रिलेटिवली इनके पास रिलेटली लार्ज ब्रांड हुआ करते थे ब्रांड्स हुआ करते थे और ये टूल यूजर्स थे ये फर्स्ट ग्रुप ऐसा था एप मैंस का जो टूल्स यूज करते थे वो फैब्रिकेटेड क्रूड टूल्स बनाते थे आउट ऑफ पैबल्स पेबल्स से फिर यूज करते थे उन टूल्स को फॉर गैदरिंग ऑफ डिफरेंट वेराइटी ऑफ प्लांट मटेरियल्स और स्मॉल एनिमल्स को इनका सबसे बड़ा फीचर जो था कैरेक्टर जो था कैरेक्ट्रिस्टिक जो था वो ये था कि दे हैव ए कोऑपरेटिव बिहेवियर यहाँ से इवॉल्व हुआ कोऑपरेटिव बिहेवियर क्योंकि यहाँ पे उन्होंने शेयरिंग ऑफ फूड स्टार्ट किया फॉर द फर्स्ट टाइम इसके बाद हमारे पास ोटेक्सा जो है दैट्स ऑफ होमो इरेक्ट्स जिसको हम अपराइट वॉकिंग मैन बोलते हैं ये भी एक एक्सटिंक्ट स्पीसीज है ह्यूमन जीनस की होमो की इसको कहा जाता है कि ये इंसिस्टर ऑफ मॉडर्न ह्यूमंस है ये ग्रुप जो था ये रहता था इस जमीन पे अबाउट वन मिलियन ईयर्स एगो तो इसके जो फॉसिल्स है वो रिकवर किए गए थे ट्रिनिल जावा से इन 1994 में जिसको रिकवर किया था यूज़ीन डुबाइस ने और इसका नाम रखा गया था जावा मैन एनअदर फॉसिल जो था जिस फॉसिल का नाम रखा गया पिकिंग फॉसिल या इसका नाम पिकिंग मैन भी कहते हैं हम वो रिकवर किया था वो डिस्कवर किया था डैवडसन ने इन नाइनटीन में अगर हम होमो इरेक्टस की करेक्ट्रिस्टिक्स की बात करते हैं दे हैव हैवे गैट इवन मोर लाइक अवर्स ये बिल्कुल उनके पास जो वॉकिंग करेक्ट्रिस्टिक्स थे वॉकिंग फीचर्स थे वो बिल्कुल हमारे जैसे होते थे वो हमसे मिलते थे और इनके पास लॉर्ज ब्रैंड हुआ करते थे और यहां से स्टार्ट हुए ऐसे टूल्स जो हड्डियों से बने हुए थे बोन से बने होते थे और स्टोन से बने होते थे और इन्होंने फॉर द फर्स्ट टाइम यूज किया फायर दे यूज फायर होमो इरेक्टस। इसके बाद हम होमो स्पेंस की बात करते हैं जिनको हम थिकिंग मैन कहते हैं होमो स्पेंस जो है होमोस्पैनस हम डिवाइड करते हैं टू कंट्रास्टिंग डिफरेंट एनाटॉमिकल टाइप्स में जिसमें एक जो है वो हैवली मसल्ड होता था जिसको हम निंदर थेल्स बोलते हैं या नींद थेल बोलते हैं दूसरा स्लिम बॉडी टैगजा था जिसको हम बोलते हैं क्रो तो जब हम निंद्र थेल की बात करते हैं जिनको हम बोलते हैं होमोस्पैंस नींद तो इनका जो फॉसिल था जो सिकल्टन मिला था उसको जमीन से पहली बार निकाला गया 1855 में लाइम स्टोन केव्स ऑफ निंदर रिवाइन जर्मनी निंदर थेल जो है ये अबाउट 1.5 पॉइंट फाइव एक ईयर्स ओल्ड है अगर हम इनके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं तो इनके पास एक बड़े ब्रांड हुआ करते थे लॉर्ज ब्रांड्स जिनमें कैपेसिटी हुआ करती थी 450 सीसी की इनके जो हाइट होती थी वो शॉर्ट होती थी दे वर अबाउट ऑफ फाइव फीट लेकिन ये पावरफुली बिल्ड होते थे और इनके पास प्रोमिनेंट फेशियल ब्राउन रिजिस हुआ करते थे ये कंप्लेक्स स्टोन टूल्स बनाते थे ये एनिमल्स के जो हाइड्स होते थे उनको यूज़ करते थे एज क्लोथिंग अगर हम क्रो मैगनून्स की बात करते हैं जिनको हम होमोस्पैंस स्पैंस बोलते हैं इनका जो दूसरा नाम है इनको हम बोलते हैं यूरोपियन अर्ली मॉडर्न ह्यूमंस क्योंकि जो हमारी अर्लीस्ट पॉपुलेशन है ऑफ एनाटिकल मॉडर्न ह्यूमंस की यूरोप में वो ये उनको रिप्रेजेंट करती है क्रो मैगनस जो इनके फॉसिल रिमैंस है वो रिप्रेजेंटेटिव है मॉडर्न ह्यूमंस की दे आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अवर स्पीसीज होमोस्पैंस उनको निकाला गया था फ्रेंच रॉक शेल्टर से इन विलेज लेस एजगीज से एंड देवर अबाउट थर्टी फाइव थाउजेंड ईयर ओल्ड ओनली इनको पाया जाता था यूरोप में इनसे जो इनकी जो केव्स होती थी जो केव्स बनाते थे और उनमें जो पेंटिंग्स देखी गई है वो शो करती है वो पेंटिंग्स कि जो उनका जो कल्चर है वो सैम था मॉडर्न हाँ, ह्यूमंस जैसा यानी कि उनका कल्चर जो है वो मिलता है मॉडर्न ह्यूमंस के साथ वो क्रोमैगन जो थे वो स्लिम बॉडीड ह्यूमंस थे इसके बाद इनसे इमर्ज हुई मॉडर्न ह्यूम्स लेकिन जो मॉडर्न ह्यूम्स है दे हैव बीन क्रेडलड फ्रॉम एशिया और अफ्रीका जो इनकी एक्चुअल बर्थ प्लेस है मॉडर्न व्यूमेंस की वो अभी तक नू नहीं है कि ये एशिया से ऑरिजिनेट हुए या अफ्रीका से ऑरिजिनेट हुए लेकिन मोस्टली जो वर्क होता है फ्रॉम सिंस फ्यू किड्स तो वो अफेरिका में किया जाता है जो फॉसिल्स ज़्यादा रिकवर्ड होते हैं तो वो अफेरिका से होते हैं तो इससे पता चलता है कि जो मॉडर्न ह्यूमंस है वो ऑरिजिनेट हुए हैं ऑलमोस्ट पर फ्रॉम अफेरिका सो डियर स्टूडेंट्स दिस वॉज अबाउट ह्यूमन एवोल्यूशन